गांधी की हरियाणा में दूसरे चरण की यात्रा जारी है। राहुल की यात्रा में भारी मात्रा में लोग नजर आ रहे हैं। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी तक चलेगी। 8 और 9 जनवरी को राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद 11 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का हरियाणा में कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी। एक हफ्ते में दोनों चुनाव हुए, सरसा नथी चोपड़ा का पहले हो गया था, वो बीजेपी जीती है। उसके बाद दो चुनाव और हुए, एक रानिया ब्लॉक का हुआ, दूसरा बड़ा गुड़ाव का। दोनों में ही हमारे उम्मीदवार जीते हैं, रानिया में भी, और दोनों मैंने आज से मिलवाए हैं। मतलब अब तक के 3 ब्लॉक समिति के 4 के हो गए, एक ओडा भी हो गया, ओडा भी हमारा जीता है। चारों के चारों ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। इसके साथ ही रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोलर सस्ती होने के कारण उपभोक्ता भी सोलर ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नहरों पर भी सोलर प्लेट लगाने की जल्द योजना बनाई जा रही है और योजना के लागू होने से किसानों के ट्यूबवेल चलेंगे। चौटाला ने जेलों में सुधार पर बोलते हुए कहा कि जेलों में भी लगातार सुधार किया जा रहा है। और आज आपको मिलवाए हैं दोनों, रानिया और बड़ागुड़ा के, दोनों अच्छे बहुमत से वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद चुनाव जीते हैं। आज आए थे खाली बधाई देने के लिए, हमने उनका हौसला अफजाई करी, उनको ये विश्वास दिलाया कि कोई भी काम होंगे उनके काम नहीं रुकेंगे। नए बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ऊर्जावान है, अच्छे काम करेंगे। देखिए विधानसभा का फैसला है, वो तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट फैसला करेंगे, जो था वो तो आपने विधानसभा में सुन ही लिया। तो अभी सरकार सब चीज़ें देख के फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है। बहरहाल राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में जारी है। कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने यात्रा पर तंज कसा, वहीं 2024 में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। साथ ही चौटाला ने विकास परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।